दोस्तों आज हम बनाएंगे देसी स्टाइल में स्पेशल गुलगुला। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। खाने में बहुत टेस्टी होता है और अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे वाटर जो कि 200 ml के आसपास रहेगा, ये देखो। और फिर ले लेंगे 100 ग्राम शक्कर, इसको इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ा इसको हिलाते रहेंगे ऐसा। मिक्स खाने वाला सोडा, इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। आप साल्ट ले लेना है, ये देखो आप, थोड़ा साल्ट लेना है, ज़्यादा साल्ट लेना नहीं है आपको। इसको इसमें ऐड कर लेंगे, ऐड करके इसको भी अच्छी तरह से खूब। और अब इसके बाद हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड कर लेंगे तिल, वाइट वाला तिल है ये, एक बड़ा चम्मच रहेगा, इसको इसमें ऐड कर लेना है। सकते एक बड़ा चम्मच खोपरे का बुरादा है यानी नारियल का बुरादा, इसको इसमें ऐड कर देना है, ये देखो दोस्तों। ऐड करके इसको भी अच्छी तरह से ऐसा मिक्स कर लेना है। आटा रहेगा गेहूं का आटा, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपको दोस्तों। इसको इतना अच्छे से इसमें घोटना है यानी फेंटना है कि अच्छी तरह से सब मिक्स हो जाए दोस्तों। अगर ये गीला हो जाता है अगर, तो एक से दो चम्मच आप इसमें आटे को, गेहूं के आटे को ऐड कर सकते हैं, मैदा नहीं ऐड करना। जिस तरह से ये पेस्ट बना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उस तरह से आपको पेस्ट बना लेना है, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। अब ये बन के पूरी तरह से रेडी है। अब इसको दोस्तों एक घंटे के लिए, मिनिमम एक घंटा, एक घंटे से कम नहीं होना चाहिए, इसको एक घंटे के लिए ढक के इसको रख देना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसका गुलगुला छानेंगे तेल में। वेट करते हैं थोड़ा और रख देते हैं एक घंटे के लिए ढक के। इसको मैंने अभी गैस को ऑन कर लिया है और कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे 200 ग्राम के आसपास ऑयल और इसको गर्म होने देंगे। तो एक घंटा इसका पूरा हो गया है, कढ़ाई में डाल के छान लेते हैं। तो इसके पहले आपको एक छोटा सा प्याले में पानी लेना पड़ेगा ताकि हाथ में चिपके नहीं है। तो थोड़ा पानी लगा के इसको ऐसा यहाँ से निकाल लेंगे, ये देखो ऐसा हल्का हल्का इसको गोल बना के डालना है आपको, ये देखो, ये देखो ऐसा आपको डालना है। और ज़्यादा बड़ा साइज नहीं करना है, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा अंदर। फटाफट ऐसा डालते रहना आपको यहाँ पे दोस्तों। जैसा जैसा ये वन साइड में पकता रहेगा वैसे वैसे आपको एक एक करके पलटी करते रहना है। इसको आपको ब्राउन कलर में ही रखना है। अब आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरह से ये फूगा फूगा आपका गुलगुला तैयार हो गया देसी स्टाइल में। और अच्छा, प्यारा और टेस्टी और हेल्दी भी है ये। तो इसको अब यहाँ से कढ़ाई से निकाल के इसको ठंडा कर लेंगे। और आपको ऐसा पौना लेना है, इसको पौना बोलते हैं, ताकि अच्छी तरह से ऑयल को रिमूव कर सके। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा बनके रेडी है गुलगुला देसी वाला। और मैं एक निकाल के दिखाता हूँ आपको यहाँ से, ये देखो कितना नरम और पफी बन गया है। तो खाने में बहुत मज़ा आता है, कहीं भी कच्चा नहीं है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।